पिता और पुत्र थे, दोनों में बड़ा क्रोध थे, दोनों में गुस्सेल थे। वो एक कांच की बरनी खरीद के लाए, दोनों पसंद करके लाए, बहुत अच्छी लाए, घर में रख दी। बहू ने उस बरनी को उठाया और वो बहू बरनी हाथ से छूट गई। हाथ से छूटते ही बरनी टूट गई। बरनी की आवाज सुनकर ससुर और बेटा, उसका पति और बेटा ससुर दोनों क्रोध में आ गए। अरे उस बहू ने मेरी बरनी तोड़ दी। और दोनों गालियां बकते हुए जहां बरनी गिरी थी वहां पहुंचे। बाजू कमरे में सासू थी, उसने भी सुना कि बहू के हाथ से बरनी टूट गई और दोनों की गालियां सुनी। और वो जानती थी साहब माँ जी कि ये दोनों क्रोध में हैं और आज बहू की पिटाई होना निश्चित है, और ये पिटाई किस हद तक हो जाए ये भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों क्रोध में है और कुछ भी हो सकता है। सासू के मन में तुरंत भाव आया और वो बाजू कमरे से उठकर उसमें पहुंच गई और पूछती है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, बरनी किसने फोड़ी? बोले, मैंने फोड़ी, मेरे हाथ से फूटी है। अब जैसे ही उन्होंने, सासू ने कहा मेरे हाथ से फूटी है, तो पति उसका ससुर वो तो पहले ही से चुपचाप पीछे चला गया आके, अब क्या करे। और छोकरे से, क्यों चिल्ला रहा है तू, मेरे हाथ से फूटी, क्या करेगा? तो छोकरा भी चला गया। अब बहू कहती है कि माँ जी आप तो यहां थी ही नहीं, बरनी तो आपने ऐसा क्यों किया? बोले बेटा, बरनी तो फूटी गई, अब तेरा सिर और फूटता। तो बरनी तो 50 रुपए की थी और सिर फूट जाता तो कुछ भी हो जाता, अनर्थ हो जाता। एक दो शब्द बोल देने पर ये झगड़ा टल गया। ये दृश्य देखकर वो बहू ने कहा, मैंने सुना था कि जगत में जगत अम्मा होती है, मेरी सासू ही जगदम्बा है। और उसने पैर पड़े, मैं जो क्या मालूम कि मेरी सासू, उसने माँ से कहा, माँ तुम तो मेरी माँ थी, सासू मेरी जगदम्बा है। अब बोलो इतने से मामले में घर में क्या हो गया, सासू क्या बन गई? और तुम होती तो मैं अपने सिर पे करूं फूटे फूटो और चल के तुम और क्या करते, आग और लगा देती। ये ना समझ, आग लगा देती, हाँ इसको मारो, इसने बरनी फोड़ दी, ये कर दिया। अब उसने देखो कितना पद बढ़ गया, झूठा आरोप अपने ऊपर लेने पर सासू का पद गिरा है कि बड़ा है। मां से क्या बन गई? जगदा बम गई। संसार की सारी सासुआ ऐसे हो जाएं, इसको बोलते उपादान दृष्टि, अपने पर ले लिया उसने। साक्षात उसे मालूम था कि मेरे इतने बहू से गिरी है, लेकिन ये समझदार को ये उदाहरण, ये संकेत काफी है। सारे जगत में, हर क्षेत्र में, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे त्याग, इस पॉइंट को यदि लोग मंत्र बना ले तो चारों तरफ राज्य राज है, शांति ही शांति है।